और उठा कर हेलो। तो आज हम लोग जा रहे हैं भीलवाड़ा मेवाड़ कप क्रिकेट खेलने के लिए। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है हमारा, वो होने वाला है जो मेवाड़ कप काफी बड़ा टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का, और उसके अंदर जाएंगे हम लोग। और जो हमारा जो कीचू है उसको जाना है मिक्की माउस। यस, कीचू ओपन में जाएंगे ना भीलवाड़ा, वहां चलेंगे मिक्की माउस में। ओके ओके, कीचू सबको बाय कर दो। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, और आप लोग सनसेट देख सकते हैं आप लोग, और जो कि हम लोग नाइट स्टे करने वाले हैं, हम लोग वहीं करेंगे ग्राउंड के पास में। ओ माउंटेन्स जा रहे अपन तो। हेलो, हम कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम बहुत दूर जा रहे हैं, और वो भी मैच खेलने जा रहे हैं हम लोग, है ना? क्या खेलने जा रहे हैं? मैच क्रिकेट खेलने जा रहे हैं हम लोग। और अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं श्री जोगिया रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम लोग कुछ अभी खाने वाले हैं थोड़ा सा। ये तो लेते ही नहीं अपन ये वाली चीज़ तो। और उसमें क्या चाहिए आपको? देखो क्या क्या चाहिए अपने को इसमें से? नहीं वो नहीं लेंगे अपन यहाँ। चलो पकड़ो पापा। और अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं खाना खाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना सर्दी है यहाँ पर, और ये काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है जो कमल रेस्टोरेंट, जो कि भीलवाड़ा के अंदर है, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, काफ़ी सर्दी है, तो काफ़ी अच्छा खाना मिलता है यहाँ पर। तो हम लोग खाना खाने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग होटल जाएंगे। और अब लोगों ने हम लोगों ने यहाँ पर होटल ले लिया है, और आप लोग हमारा होटल देख सकते हैं हम लोग। और अभी हम लोग यहाँ से लिफ्ट लेके अभी हम लोग जाने वाले हैं हमारे रूम के लिए, और फिर दिखाएंगे हम लोग हमारा रूम। और जैसा कि हम लोग हमारे रूम के अंदर जा रहे हैं, 201 नंबर, और जो हमारा जो रूम है वो है 209 नंबर, 209 नंबर हमारा रूम नंबर है। और ये हमारा रूम है, और ये काफ़ी सुंदर सा रूम है, काफ़ी अच्छा रूम है, काफ़ी क्लीन, नीट एंड क्लीन है। ओके और जिस देख सकते हैं यहाँ पे जो वेरोनिका है उसकी खुशी देख सकते हैं कि रूम को देखते हैं कितना खुश है ये, और इसने सब कुछ देख लिया रूम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे क्या बनने वाला है, उसने कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ पे कॉल लगा दिए हैं। और अभी हम लोग वापस निकल चुके हैं टुमारो मॉर्निंग, जब काफ़ी धुंध है, बारिश हो रही है, और हमारा मैच होने वाला है हमारा, और मालूम नहीं कि मैच होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आजकल मौसम है काफ़ी ठंडा मौसम है। आप देख सकते हैं कि जो वेरोनिका है वो बिल्कुल इंजॉय कर रही है इस मौसम को। और अभी हम लोग जाने वाले ग्राउंड, और अभी हम लोग आज आ चुके हैं ग्राउंड के अंदर। ग्राउंड के हाल बहुत ही बुरे हैं, जो यहाँ के जो पिच क्रिएटर हैं वो पिच को देख रहे हैं और यहाँ पे वापस कवरिंग कर रहे हैं। जो हमारा मैच होने वाला है वो होने वाला था हमारा 9 बजे, बट वापस हम लोग घर आ चुके हैं। वापस हम लोग जाने वाले हैं होटल, क्योंकि जो पिच है उसका बहुत ही बुरा हाल है, और मैच होगा या नहीं होगा ये हमें मालूम चलेगा 11 बजे, जो वहाँ के जो एम्पायर है वो ग्राउंड में आएंगे, उसके बाद मैच होगा। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के मैच के अंदर, और काफ़ी जो सामने वाली जो टीम है काफ़ी अच्छी टीम है, जिसके अंदर 6 से 7 प्लेयर आरसी प्लेयर खेल रहे हैं, और हमारी जो टीम है उसके अंदर कोई भी आरसी प्लेयर नहीं है।
जैसा आप लोग ग्राउंड देख सकते हैं आप लोग, जैसे ग्राउंड के अंदर काफ़ी ड्यू है, पानी गिरा हुआ है, बिल्कुल गीला हो चुका है ग्राउंड। तो आज का मैच काफ़ी मुश्किल होगा, मैच स्टार्ट होने से पहले देखते हैं क्या होगा। और जैसा कि आप लोग ग्राउंड देख रहे हैं, ग्राउंड के हाल बहुत बुरे हैं और जो यहाँ के जो पिच क्रिएटर हैं उन्होंने मना कर दिया आज के मैच होने के लिए यहाँ पर, तो शायद आज का मैच नहीं होने वाला है यहाँ पर। और जैसा कि जो अभी जो ग्राउंड है आज का, उस ग्राउंड को देखते हुए तो मुश्किल है कि आज मैच होना है। जो यहाँ का जो स्टेडियम है, जो पवेलियन है ना यहाँ का, बिलवाड़ा चैम्पियनशिप ट्रॉफी सुकाड़िया स्टेडियम के अंदर होने वाला टूर्नामेंट है ये। और काफ़ी अच्छा सेटअप कर रखा है इस टूर्नामेंट के लिए, काफ़ी अच्छी अच्छी टीमें हैं यहाँ पर, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस टीम टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन जो आज का जो ग्राउंड को देखते हुए, केवल ये थोड़ा सा टर्निंग विकेट होगा स्पिनर्स के लिए, काफ़ी मदद होगा। और जैसे जो मेवाड़ कप है उसका जो ओपनिंग सेरेमनी है वो हो चुका है, अभी ओपनिंग हो चुकी है। पहले इन्होंने कबूतर उड़ाए हैं, उसके बाद इन्होंने बलून उड़ाए हैं कब ओपनिंग सेरेमनी के अंदर, तो काफ़ी अच्छा रहा है। उसके बाद हमारा फोटो सेशन रहा है, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि आप लोग जो मैच होने वाला है, मैच स्टार्ट होने वाला है, कुछ देर के अंदर जो पिच क्रिएटर है वो पिच तैयार कर रहे हैं और जो ड्यू गिरी है उसी को साफ किया जा रहा है। जो वहाँ के जो वॉलेंटियर्स है, देख सकते हैं कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये वॉलेंटियर्स, जो हमारी ड्यू है उसको हटाई जा रही है। तो काफी कुछ ही देर के अंदर हमारा मैच स्टार्ट होने वाला है, तो देखते हैं कि क्या रहता है आज का मैच का शेड्यूल। खाना बोलना है यार तू कुछ यार। और ये हमारी टीम बैठी है सभी, देखो लोगों को सर्दी लग रही है, जैसे आप लोग देख सकते हैं प्रतीक पुरी जो कि ब्यावर से मैच देखने के लिए आए हैं और बाकी हमारे टीम मेंबर्स हैं। तो काफ़ी एक अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा आज का इस मैच का। और उसके बाद हमारा टॉस हो चुका है और हम लोग वार्म अप सेशन करने के लिए आ चुके हैं ग्राउंड के अंदर, और हम लोग वार्म अप कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। और कुछ टाइम हम लोगों ने वार्म अप किया है और उसके बाद हमारा मैच स्टार्ट हो चुका है हमारा। और हमारी पहले फील्डिंग आई है, फील्डिंग में हमारे को 107 रन का हमारे को टारगेट मिला है, और जिसके अंदर जितिन रावत ने काफ़ी अच्छी शुरुआत की है, लेकिन वो थोड़ा सा इंजर्ड होने के बाद में वो रिटायर्ड हट होके बाहर आ चुके हैं ग्राउंड से। और काफ़ी अच्छा मैच रहा है आज का ये। और जो कि रजत गुजराती है उसने काफ़ी अच्छी बैटिंग की है, जिन्होंने 47 रन बनाए हैं और एक विनिंग पारी खेली उन्होंने, तो काफ़ी मज़ा आया आज के दिन के अंदर इसमें। और बेहतरीन अंदाज में डिफेंस करके एक रन ले लिया। व्हेन नेक्स्ट बॉल टच ऑन स्ट्राइक और भारी शॉट, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गए थर्ड वेव की तरफ। हां यार समझे को नहीं यार कांजी देख के लेगी से। शाबाश शाबाश शाबाश, खत्म करके आना है, बढ़िया शाबाश। फिर शॉट गेंद जिसे कवर्स में खेला वहां मेरे तक चोर शूटर दे, शूटर दे ठाकुर जी, शूटर दे या मर रही हूं मैं, बहुत ज्यादा मजा आ गया। सुबह आए थे हम लोग तो गुजराती व्यवहार का सफल पापा के धोखे भाई वाले बकरे।
अंकुर कैसे भाई।